एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं से डॉक्टर संजय सिंह आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडो जर्मन साइनस केयर टैबलेट्स के बारे में। बहुत ही यूजफुल होते हैं जिन लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, रिकरेंट साइनसाइटिस होता है, नज़ला, जुकाम, एलर्जीज लगी रहती है, उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल दवा है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कैसे लक्षण मिलने पर आप इस दवा को यूज कर सकते हैं, इस दवा की डोजेस कितनी रहेंगे, इस दवा का कंपोजिशन क्या है, प्राइजिंग क्या है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं इंडो जर्मन साइनस केयर टैबलेट्स के बारे में। तो इस टैबलेट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि साइनसाइटिस क्या होता है। तो साइनसाइटिस जो होता है, ये साइनस का इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है। साइनसेस क्या होते हैं? साइनसेस हमारा स्कल होता है, उसके अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं, छोटा छोटा गैप होता है, उसके अंदर एयर फिल्ड रहती है। और ये जो साइनसेस होते हैं, इसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो भी जैसे हमारी नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वैसे ही होती है। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं साइनोसाइटिस। आइटिस वर्ड जब कहीं भी लग जाता है मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जैसे कि फैरिंग्स में हो गया इन्फेक्शन तो फैरिंजाइटिस, लैरिंग्स में हो गया तो लैरिंजाइटिस, टॉन्सिल्स में हो गया तो टॉन्सिलाइटिस। ऐसे ही साइनस का इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। तो जब ये इन्फ्लेमेशन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको सोर थ्रोट हो जाता है, आपको जुकाम हो जाता है, आपको बार बार छींकें आती हैं, आपको सर दर्द रहता है, आपको फोरहेड में पेन रह सकता है, इस एरिया में आपको यहाँ पे हैवीनेस लग सकती है, फोरहेड और नोज के बगल में चीक्स पे आपको हैवीनेस लग सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, आपको फटीग लग सकता है, आपको फीवर भी आ सकता है अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। कारणों की अगर हम बात करें कि जो साइनस है उनमें इन्फेक्शन क्यों होता है, तो जो ज़्यादातर केसेस होते हैं उनमें अगर आपका डेबिटेड नेजल सेप्टम है, यानी जो हमारी नोज होती है दोनों साइड की, उसके बीच में जो ये सेप्टम होता है जो दोनों साइड को अलग कर रखता है, अगर वो टेढ़ी हो जाती है, वो वॉल टेढ़ी हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपको नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम है, आपके नाक में मांस बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, बार बार उनको हे फीवर जुकाम लगता रहता है, तो उनको भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। साइनसाइटिस जो होता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हो सकता है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो होती है सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किया होता है। और फ्रेंड्स, साइनसाइटिस पे मेरा एक डिटेल वीडियो है कि कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, साथ में पांच बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा के बारे में भी मैंने बताया। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम बात करते हैं कि इंडो जर्मन साइनस के टैबलेट्स होते हैं वो कैसे काम करती हैं, इसके कंपोजिशन क्या है। ये टैबलेट जो होती हैं जो भी आपके कंजेशन हो रहे हैं उसको क्लियर करती हैं। जो भी आपको साइनस इन्फ्लेमेशन की वजह से, साइनस इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ गई है, फेस में सूजन आ गई है, या फिर आपको पेन जो हो रहा होता है, सर दर्द हो रहा था, फोरहेड पेन हो रहा होता है, या फिर नेजल पेन हो रहा होता है, उन सब में आराम दिलाती है। आपके नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है क्लियर करती है, आपके साइनस म्यूकस मेम्ब्रेन को क्लियर करती है और बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। अगर आपको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग है, आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम, आपको फीवर भी आ रहा है साइनसाइटिस की वजह से, इसके अलावा अगर आपको रिकरेंट साइनसाइटिस हो रहा है, मतलब एक बार इन्फेक्शन हो गया कुछ दिन बाद फिर दोबारा हो जाता है, या फिर आपको क्रोनिक साइनसाइटिस है, बहुत टाइम से आपको साइनस प्रॉब्लम बनी ही हुई है, ठीक ही नहीं हो रही है, तो उस केस में भी ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। इस दवा की अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ इंक्लूडेड हैं, तो इसमें पांच होम्योपैथिक दवाइयाँ इंक्लूडेड हैं जो बहुत यूजफुल होती हैं, जिसमें आपको आर्सेनिक, कैल्केरिया कार्प्स, सिनेबेरिस, कालीबाई और साथ में पल्सिटला देखने को मिलेंगी। जो दवाएं बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं साइनस इन्फ्लेमेशन में, एलर्जिक राइनाइटिस में, और जो इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं कंजेशन की और डिस्चार्जेस की, रनी नोज की, सोर थ्रोट की, उन सब में ये बहुत अच्छे से काम करती हैं। अगर हम बात करें इसकी प्राइजिंग की, तो इसका जो 25 ग्राम का पैक आता है वो आपको अराउंड 150 रुपीज़ मिलेगा, किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथिक स्टोर पर ईजिली अवेलेबल रहता है। अगर आपको वहाँ न मिले तो आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। अगर बात करें कि
इसकी डोजेज आपको कितनी लेनी है। तो एडल्ट में इसकी डोजेज जो है दो दो टैबलेट दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इसको आपको च्यू करके लेना है, पानी के साथ नहीं लेना है। और जब भी आप दवा लीजिएगा, दवा लेने से 20-25 मिनट पहले और 20-25 मिनट बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। साथ में आप ठंडी चीज़ों का थोड़ा सा परहेज करके रखिएगा, तो इससे आपको साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इंडो जर्मन साइनस केयर टैबलेट्स के बारे में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और डिजीज से, किसी मेडिसिन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।